तुम ट्रांस वुमेन हो, मतलब मैंने गर्ल्स की उससे तो बोले कि नहीं तुम ट्रांस वुमेन हो, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, सॉरी। और बहुत जगह मैंने अप्लाई की, 10-20 जगह पार्ट टाइम जॉब मुझे नहीं मिला। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मुझे कहीं जॉब वॉब नहीं मिलती थी, यहाँ पर बहुत आसानी से जॉब मिल गई और बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। या मतलब लोगों का जो है अच्छा से आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, बात करते हैं प्रेम से, है ना। तो मतलब जो बाहर आपने प्रयास किया होगा जॉब के लिए, काम के लिए, तो वहाँ बड़ी मुश्किल हुई काम मिलने में आपको। एक्चुअली मैंने तो पार्ट टाइम जॉब के बहुत जगह प्रयास आम तौर पर आपने देखा होगा कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं, उन लोगों का जो काम होता है, जब किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ जाकर बधाई गीत गाते हैं, या तो ट्रेनों में सफ़र करते हुए आपने देखा होगा कि लोगों से अपनी जीविका चलाने के लिए मदद लेते हैं। लेकिन आज इस वक्त हम मौजूद हैं पटना में, पटना मोना सिनेमा हॉल के पीछे। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला है जिस रेस्टोरेंट का नाम है सतरंगी रेस्टोरेंट। देख सकते हैं आज हम लोग आए हुए थे यहाँ इसी सतरंगी रेस्टोरेंट में कुछ खाने पीने के लिए, या यूँ कहें कि घूमने के लिए ही। देखिए यहाँ का नज़ारा, यहाँ की खूबसूरती आपको ज़रूर मोह लेगी। आप देख कर दंग रह जाएंगे कि इस तरह का रेस्टोरेंट पटना में भी हो सकता है, और इसे चलाने वाले जो है हमारे ही समाज में रहने वाले वो लोग हैं जिसे कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के लोग एक अलग निगाह से उन्हें देखते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस रेस्टोरेंट में हम लोग पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर मैम हैं, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनके मन में कैसे ख्याल आया कि एक रेस्टोरेंट खोला जाए। नाम रेशमा है। अच्छा मैम, ये बताइए कैसे ख्याल आया कि एक रेस्टोरेंट खोला जाए, चूँकि जो समाज में हमने देखा है आज तक, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग होते हैं, उनका काम होता है जब किसी के घर में जाकर बच्चे जन्म लेते हैं किसी घर में, तो बधाई गीत गाना या अपनी जीविका चलाने के लिए लोगों से कहीं ना कहीं मदद भी मांगते हैं, तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि एक रेस्टोरेंट खोला जाए? मतलब आप समाज कैसे निर्धारित करता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का सिर्फ बच्चा पैदा हो तो उसी पे गाना गाने ही जाएंगी? कभी नहीं। बिल्कुल। अगर महिला साथी हैं तो क्या वो सिर्फ खाना बनाएंगी? वो तो IAS भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बिल्कुल है, एरोप्लेन भी चला रही हैं। और जहाँ तक हमने ये भी देखा है, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं वो भी बड़े बड़े पद पे हैं, IAS अफसर बने हुए हैं। तो ये तो जैसे होता है ना कि आप जो सोच लो दुनिया उसी तरीके से दिखती है। हाँ। कहा जाता है सावन के अनदेखो सारा हरा हरा देखता है। हाँ। तो जिस तरीके से आप देखते हैं समाज में उसी तरीके से ये करते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जो मुश्किलें हैं वो परिवार को एक्सेप्ट नहीं करती है, समाज एक्सेप्ट नहीं करती है। नहीं तो ट्रांसजेंडर कहीं से कहीं एलियन कोई व्यक्ति नहीं है। तो ख्याल इसी पे आया कि आप जब जैसे अपने टेस्ट किया, मान लीजिए खाना खाया, तो वो आपको थोड़ा महसूस किया कि नहीं भाई अच्छा तो बनाया है, तो इसका ह्यूमैनिटी जो है वो कहीं से भी गलत नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे हम जो ट्रांस व्यक्ति हैं वो कहीं महिला पुरुष से कहीं भी अलग नहीं है। तो कहीं भी मेरा कंसर्न नहीं है कि हम अलग होकर के किसी चीज़ों को स्थापित करें। हम चाहती हैं जो जैसे हमारा स्लोगन भी है, ईट फूड फील इक्वालिटी, तो आप मतलब गैर बराबरी को ख़त्म होता हुआ महसूस करेंगे। जैसे आप आए और इतने क्लोजनेस के साथ में आप न्यूज़ भी बना रहे हैं, ब्लॉग भी बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, दूरियां ख़त्म हो रही हैं, सभी लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो दैट इज़ फाइन कि अगर हमारी थोड़ी गलतियाँ भी अगर हो तो उसे भी माफ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि समाज बदल रहा है, मीडिया उस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लोगों के बीच में लेकर के जा रही है। समाज सेवी, शिक्षाविद, व्यापारी, जो भी लोग हैं वो खड़े हैं हमारे लिए। हम जानती हैं कि बदलाव होगा और इसी का संघर्ष। लोगों का कैसा समर्थन मिल रहा है? लोग आ रहे हैं यहाँ पर अपनी जो खूब आ रहे हैं, खूब मतलब ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं आई कांट कि एक्सपेक्टेशन, मतलब शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और बहुत क्वालिटी लिविंग लोग आ रहे हैं, मेरे लिए बहुत गर्व की बात। हाँ, बहुत ही अच्छा, और मेरे कम्युनिटी के लिए मौका है। अगर ये जैसे लोग का सपोर्ट है, अगर
बिज़नेस भी उसी तरीके से डेवलप अगर हो गया तो निश्चित तौर पे मैं जानती हूँ, अगर मैं 20 की बात कर रही हूँ तो कल को 40 50 100 लोगों को भी यहाँ पे काम दे पाऊँगी, कि जैसे एक एक टेबल पर एक एक व्यक्ति को अपॉइंट कर पाऊँगी कि वो एक व्यक्ति का ये काम है, एक व्यक्ति का, तो उस तरीके से हम पूरे प्रीमाइजेस में 50 से ज़्यादा लोगों को काम। आप जो भी लोग या जो भी कहीं ना कहीं एक जिल्लत की ज़िंदगी जीना जीते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी आप मदद करके अगर चाहें कि तो रोज़गार दे सकते हैं यहाँ पर। नहीं, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए रास्ता खुला है और अगर अच्छे से इस्टेब्लिश हो जाएगा तो सभी के लिए रास्ता खुला रहेगा, क्योंकि ये तो संघर्ष हमारा ही था, हमारी ज़िंदगी का संघर्ष। ये बताइए, जो ट्रांस व्यक्ति हैं उन्हें एक अच्छे रेस्टोरेंट पे या एक अच्छे जगह पे, प्राइवेट जगह पे नौकरी मिलना संभव, कितना मतलब मुश्किल होता है क्या? बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों के मन की जो तार है वो टूटते ही नहीं है पुराने ख्याल से, और उसी को तोड़ने के लिए ये मॉडल स्पेस मैं बनाई हूँ। मेरा कोई बिजनेस उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि लोग इसको देखें, खाएं खाना, अनुभव करें और लोगों को रोज़गार के साधन उपलब्ध कराएं, और जगहों पर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट हो, अच्छी अच्छी जगहों पर काम करें, रोज़गार करें, उन्हें कोई मुश्किलें ना हो, ये सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज मासूम रॉयल। मासूम जी, बताइए रेस्टोरेंट कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको? लोग आ रहे हैं, कितना प्यार मोहब्बत मिल रहा है लोगों से? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बताना चाहूँगी कि एक्चुअली मुझे कहीं जॉब वॉब नहीं मिलती थी, यहाँ पे बहुत आसानी से जॉब मिल गई, और बहुत लोग आते हैं, बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। या मतलब लोगों का जो है अच्छा से आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत दे रहे हैं, बात करते हैं प्रेम से, है ना? तो मतलब जो बाहर आपने प्रयास किया होगा जॉब के लिए, काम के लिए, तो वहाँ बड़ी मुश्किल हुई काम मिलने में आपको? एक्चुअली मैंने तो पार्ट टाइम जॉब के बहुत जगह प्रयास किया, मैं अभी 12th में स्टडी कर रही हूँ और बिहार पुलिस का फॉर्म भी अप्लाई कर दी हूँ, और जॉब के लिए पार्ट टाइम जॉब के लिए बहुत जगह मैंने अप्लाई की थी, और एक दो जगह मैं एक दो दिन काम भी की थी, और फिर काम करने के बाद बोला कि तुम ट्रांसमैन हो, मतलब मैंने गर्ल्स की उससे तो बोले कि नहीं तुम ट्रांसमैन हो, तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, सॉरी। और बहुत जगह मैंने अप्लाई की, 10-20 जगह पार्ट टाइम जॉब मुझे नहीं मिला, इसलिए यहाँ पे बहुत आसानी से मुझे जॉब मिल गया, बहुत अच्छा काम। 12th आपने कब कराया? मैंने 12th में अभी एडमिशन लिया। अभी एडमिशन लिया 2023 में। तो यहाँ पे आपको मैम आसानी से जॉब दे दिए हैं, आप काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती जो है बहुत ही काफ़ी मनमोहक है। अगर आप पटना में रहते हैं या पटना के आसपास रहते हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आइए और इस रेस्टोरेंट्स का खाना खाकर जाइए, या जो भी चीज़ आपको पसंद होता है वो आइए और खाइए।